इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे, सब खैरियत तो है? शहरयार सब खत्म हो गया, हमारे सारे ख्वाब टूट गए। ओहो पहेलियां मत बुझवाओ, हुआ क्या ये बताओ। हमजा ने परी को छोड़ने का फैसला कर लिया, कुछ ही दिन में वो तलाक भी भिजवा देगा। मुझे पता था यही होगा, कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी इस तरह से अपनी इज्जत का तमाशा लगवाए। लेकिन नहीं, कोई सुने तो फिर ना। सच पूछे तो मुझे उसके घर से ज्यादा अपने ख्वाबों के टूटने का दुख हो रहा है। उसके होते हुए अम्मी कभी भी घर से अलाउट नहीं करेंगी। उन्हें लगेगा ना कि उनकी बेटी के लिए यही घर सबसे ज्यादा सही। सोचो 2-3 महीने बाद उसका बेबी भी आ जाएगा, क्या करेंगे? यार प्लीज कुछ करें, सोचे कुछ। कल बाजी का फोन आया था, हमारे कनाडा शिफ्ट होने के बारे में पूछ रही थी। क्या बताऊं उन्हें कि परी ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, ना घर बिकेगा और ना हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हमारे फ्यूचर को परीसा की बेवकूफियों की नजर नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जब करूंगा ना तो पता चल जाएगा, तुम्हें भी और अम्मी को भी। खुद को संभाले ना आप ही, अपने लिए नहीं तो आने वाले बेबी के लिए बहादुर बन जाएं। उसको ज्यादा जरूरत है आपकी, और वैसे भी अब ऐसे रोती रोती अच्छी नहीं लगती। वक्त कितना बदल देता है ना इंसान को। कल तक जो इंसान मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था, आज वो इन आंसुओं की वजह बन गया। अच्छा प्लीज अब आप इस हमजा नामे को बंद करते हैं, वो आपको छोड़ के चले गए हैं। सब कुछ जानते पूछते नहीं मानता मेरा दिल, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? उससे पहले आप इस दिल की सुनना बंद कर दें। दिल बहुत स्टूपिड होता है, इसे कुछ नहीं दिखता सिवाय प्यार के। पूरी जिंदगी ख्वार होता है इसके पीछे, हर इंसान को भी ख्वार करता है। तुम नहीं समझोगे। मैं समझती हूँ, लेकिन आप ये नहीं समझना चाहती कि हालात हमेशा सेम नहीं रहते। शायद ठीक कह रही हो तुम। आप ही मैं निकलती हूँ, अगर मैं अभी ना निकली तो अम्मी ने 5 मिनट में फोन करके के पागल कर देना है। लेकिन और जब मैं कल आऊंगी मुझे पुरानी वाली आप ही मिलनी चाहिए, ठीक है?